अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना सरप्राइज गिफ्ट, जो कि मेरी बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। लास्ट नाइट ही सरप्राइज मी विद अ कार एंड आई वॉज रियली रियली शॉक्ड, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता था। वो मेरे न्यू कार लेने गए हैं और मेरी बर्थडे को अभी 15 to 20 days रहते हैं और 20 नवंबर को मेरी बर्थडे होती है। और एंड आई कांट इमेजिन कि ऐसा मतलब कुछ होगा, और मतलब सोचा भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था ना। तो या ही जस्ट केम बैक एंड टोल्ड मी के मैंने तुम्हारी जो कार है उसका कुछ न्यू करवाया है ना, तो लेट्स सी आज बाय ना। सो व्हेन आई केम आउट इट वाज अ सरप्राइज, और गाड़ी के ऊपर प्रॉपर गिफ्ट पैकेजिंग हुई हुई थी, जैसे लाइक आगे वो रिबन का बहुत बड़ा सारा फूल लगाया हुआ था। एंड आई वाज सो शॉक्ड देख के कि मतलब ये क्या हो रहा है। But it was a really beautiful surprise from my husband on my birthday. बर्थडे खैर अभी आई नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया, बिकॉज मुझे ज़रूरत भी थी गाड़ी की। मेरी जो एक्चुअली ओल्ड कार थी वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, उसके कोई ना कोई मसला था, इसलिए आई हैव टू चेंज। बट इतनी अच्छी गाड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट की एंड इट वॉज़ अ बिग सरप्राइज फॉर मी। तो आइए देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाड़ी भी, और पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फोटोज। मैंने सबसे पहले रात को तो अंधेरा था, एक वीडियो बनाई, मैं पहले आपको वीडियो दिखाती हूँ और फिर फोटोज दिखाती हूँ कि कौन सी गाड़ी है और उन्होंने कैसे पैकेजिंग उसकी आगे उसको गिफ्ट रैप किया हुआ था। और ये है कि जो मेरी रात की वीडियोस थी सरप्राइज वाली, वो भी बहुत अच्छी आई है। उनके फ्रेंड ने बनाई थी, लेकिन उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे चेहरे, क्योंकि रात थी, और इसलिए फिर मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बारिश में खड़े होकर गाड़ी की फ़ोटोज़ लिया आप सबको दिखाने के लिए, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हैं और मैं आप हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। व्लॉग्स बनाती हूँ तो हर चीज़ आप लोगों को दिखानी पड़ती है, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करके, इसलिए मैंने बनाई कार की फोटोज़। और मैं वीडियो अभी आप लोगों को गाड़ी लाइव दिखाऊंगी अभी अभी इस व्लॉग में, तो जस्ट स्टे ट्यून गाइज। और सबसे पहले आप लोग देखो सरप्राइज वाली वीडियो और उसके बाद गाड़ी की फ़ोटोज़, फिर मैं वापस आती हूँ और आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो तो नहीं दिखाऊंगी अभी, खुद मैं दिखाऊंगी अपनी गाड़ी अंदर से सारी, बिकॉज आई एम सो हैप्पी, और अंदर से बहुत प्यारी गाड़ी है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और आप लोग खुश होंगे देख के। ये मेरी कार और ये रही उसकी चाबी, और मैंने जो आगे से फ्लावर था आप लोगों ने देखा फोटोज़ में, फ्लावर कितना प्यारा लगा हुआ था, वो मैंने उतार दिया है। और ये रही गाड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तक मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ। हेलो, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस कार। आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी गाड़ी है अंदर से। ऑलरेडी मैंने अपनी जो चीज़ें हैं वो रख ली हैं, ये मेरा मास्क पड़ा हुआ है, ये मेरा कोट पड़ा हुआ है, ये मेरा दूसरा मास्क पड़ा हुआ है, बिकॉज मैं सुबह एक बार कहीं चक्कर लगा आ चुकी हूँ तो गाड़ी यूज़ हो चुकी है, इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी यहाँ पर रख ली। ये मेरा कोट के नीचे बैग भी पड़ा हुआ है। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी कार है। अच्छा जी, तो जो मेरी पहले वाली गाड़ी थी ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब जितनी ज़्यादा ये अच्छी है, बिकॉज ये सरप्राइज़ था तो ऑफ कोर्स अच्छी तो होनी ही होनी थी। अब तक मैं सारा कुछ दिखा देती हूँ। ओके, ये है इसका स्टीयरिंग, ये है इसका मीटर, एवरीथिंग इज़ लाइक लग्जरियस कार की तरह इसके अंदर। और हम अभी स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को। जी हाँ, तो ये हो गई है स्टार्ट, मैनुअल है, मैं ऑटो नहीं चलाती बिकॉज मुझे ऑटो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हम हीटिंग थोड़ी तेज़ कर देते बिकॉज अभी मुझे कहीं जाना भी है, तो
मैनुअल में इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ऑटो बिल्कुल पसंद नहीं है. ऑटो मतलब ज़्यादा चलाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए अच्छी नहीं लगती है, और ऑटो का आदत नहीं है ऑटो चलाने की, तो मुझे मैनुअल पे हाथ सेट है. तो मेरे हस्बैंड ने सोचा इसको मैनुअल ही ले दें, ऑटो क्या करनी है. ये रहा इसका मीटर, मीटर भी बहुत प्यारा है. मतलब ये पूरी ना जैसे मेरी पहली गाड़ी थी ना उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. लाइक वो इतनी वो थी सिंपल सी, और वो थी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या उसको कहते हैं, बेसिक कार जो होती है ना, लेकिन ये वाली फुल लग्जूरियस टाइप कार है, फुल ऑटो है, हर चीज़ की ऑटो है. हेलो मरवा, लुक एट मामा कार, मामाज कार, डू यू लाइक इट, इज इट गुड? मेरा आपको अच्छी लगती है? चले गाड़ी पे चले, सैर करके आए, चलो चलते हैं. ठीक है, दादू बस जाना है. ओके चलो लेट्स गो. बस मैं आप लोग को पीछे से भी दिखा देती हूँ कि मरवा मीरा की पीछे सीट्स लगी हुई हैं. ये रेड वाली जो है मीरा की, और वो ब्लैक वाली जो है मरवा की है. और हाँ, यहाँ पे ऐसे ही होता है अब्रॉड में कि आप लोगों को सीटें लगानी पड़ती हैं, और उसके अलावा दरमियान में सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है, और साथ मेरे एक बंदा बैठ सकता है. तो हाँ जी बेटा, बेबी डोंट टच, ओके, नो 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 फाइट, ओके नो फाइट, फाइट नहीं करनी. ये उठाओ बेटा, अंदर रख के आओ, चलो चलते हैं दादो पास अभी. ठीक है, सो गाइज ये है मेरी गाड़ी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. आगे से भी दिखाती हूँ मैं, लुक कितनी नाइस लग रही है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. मरवा भी बहुत ज़्यादा खुश है मामा की न्यू कार देख के, एंड मीरा भी बहुत ज़्यादा खुश है. आज हमने मैचिंग की है माँ बेटियों ने, और दोनों ने येलो येलो, हम तीनों ने येलो येलो पहना हुआ है. और हम अभी जा रहे हैं मेरे बच्चों की दादों को लेने मेरी नंद के घर से, और इसी तरह उनका घर थोड़ा लाइक 30-35 मिनट्स दूर है, तो मैंने सोचा चले उनको भी ले आते हैं, और उन्होंने आना भी था हमारी तरफ, और इसी बहाने मेरी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और मैं कार देख लूँगी अपनी. मेरी कार एक्चुअली मैं लंबे रूट पर कैसी चलती है, ऑलरेडी मैं छोटा सा चक्कर लगा हटी हूँ टाउन का, जस्ट इन द सिटी, लेकिन लंबे रूट पे आप लोगों को पता है लॉन्ग रूट्स पे लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा अच्छी होती है. तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आई होप आप लोगों को ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग था, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों से अपनी खुशी शेयर करनी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक स्पेशल इस चीज़ के लिए. तो आप लोगों ने वीडियो भी देखी कि कैसे मेरे हस्बैंड ने आधी रात को, मतलब आधी रात तो नहीं थी, 10-11 बजे हुए थे, कैसे उन्होंने रात को मुझे सरप्राइज़ किया न्यू कार के साथ. और आप लोगों ने नेक्स्ट डे कार की फोटोज़ भी देखी, कितनी प्यारी सजाई हुई थी, डेकोरेट की हुई थी, प्रॉपर गिफ्ट बनाया हुआ था कार का, दैट आई रियली लाइक्ड. और बस दुआ कीजिएगा हम में ऐसे ही प्यार हैं, और मैं आप लोगों को ऐसे ही अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँ, और हर चीज़ मेरे साथ अच्छी अच्छी हो. तो मरवा सो एक्साइटेड है ना, मरवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो. आप कहाँ जाना है? दिस वे. ओके अभी जा रहे हैं. तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज, बाय बाय.